Hey everyone, I'm Sharon and welcome back to Ask the Little One. So, आज के वीडियोस में मैं कुछ एक्टिविटीज शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने न्यूबॉर्न या वन मंथ ओल्ड बेबी के साथ कर सकते हैं, जिससे उनकी डेवलपमेंट में भी हेल्प होती है. के टाइम पे बेबीज ऑन एन एवरेज 16 टू 22 आवर्स तक सोते हैं एंड जो टाइम वो उठते हैं दैट इज प्राइमरीली फॉर फीडिंग या तो डाइपर चेंज या तो मसाज या तो नहाना, तो उसमें निकल जाता है. एंड 2 वीक्स के बाद बच्चों का उठने का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, बहुत थोड़ा, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर ऐसे करके, जिसमें आप उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट बेस्ट एक्टिविटी इज द टमी टाइम जो आप अपने बेबी के साथ कर सकते हैं. इससे नेक आर्म एंड शोल्डर का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है एंड उसमें स्ट्रेंथ मिलती है बेबी को. बट मेक श्योर आप जब भी एक्टिविटी कर रहे हैं बेबी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हो, बेबी भूखा नहीं हो एंड आप कभी भी बेबी को अनअटेंडेंट ना छोड़े जब आप टमी टाइम दे रहे हैं बेबी को. एंड अगर आप फीड कराने के बाद अगर टमी टाइम करते हैं तो फिर एटलीस्ट मिनिमम 1 आवर का गैप दीजिएगा. टू स्टार्ट विथ आप किसी कंफर्टेबल चेयर में लीन होकर बैठ के बेबी को अपने ऊपर रख सकते हैं एंड जिससे बेबी का जो स्ट्रेंथ है आर्म्स का वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगता है एंड बेबी के कंफर्ट के हिसाब से आप टाइम इंक्रीज कर सकते हो. तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 15 सेकेंड से, 20 सेकेंड से एंड जब बेबी 2 वीक्स का हो जाता है उसके बाद आप उनको डायरेक्टली फ्लैट सरफेस में टमी टाइम कराना शुरू कर सकते हैं. एंड 1 मंथ आते आते आप इन अ डे 2 to 3 times टमी टाइम करा सकते हैं एंड बेबी के कम्फर्ट के हिसाब से आप उसका टाइम इंक्रीज करते रहिए. एंड जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसे आपके बेबी का सेंसरी मोटर एंड फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट जो है वो डेवलप होता है. जगह में बैठ के बच्चों से बात करते करते छोटी से दो तीन एक्सरसाइजेस है आप ये कर सकते हैं, जिससे आप लेग्स को थोड़ा स्ट्रेट एंड बैक कर सकते हैं एंड देन जेंटली साइकिल वाला जो एक्सरसाइज होता है उस टाइप में आप कर सकते हैं. तो इससे एक एक्सरसाइजेस भी हो रही है, उनका स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है एंड वे यू कम्युनिकेटिंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड विद द बेबी. एंड देन थर्ड वुड बी पूरे दिन आप बेबी से बस बात करते रहिए. ऑब्वियसली बेबी को समझ में नहीं आता है बट आप जितना बात करेंगे उतना बेबी के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है. वो होल्ड करके आप उसमें उनके साथ बात कर सकते हैं, उनको कुछ भी बात कीजिए, आप उनको कुछ चीज़ दिखा सकते हैं, आप उनके उनको शाम को वॉक पे जब लेके जाते हैं तब आप बात कीजिए, आप कुछ दिख रहा है, ट्रीज दिख रहे हैं, हाउस दिख रहा है, आप कुछ ना कुछ आप बात करते रहिएगा बेबी से. तो इससे ओवरऑल जो बेबी का डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प होता है. सो दिस वर द 2-3 एक्टिविटीज जो मैं चेरी के साथ लास्ट 1 मंथ से कर रही थी एंड अभी 2nd मंथ में आने के बाद मैंने उसके लिए कुछ टॉयज एंड स्टिम्युलेशन कार्ड्स इंट्रोड्यूस कराया है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय, टेक केयर.